तो दोस्तों फाइनली इंडियन आइडल सीजन 13 में तीसरा एलिमिनेशन हो चुका है। हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 से एक बहुत ही बड़ा कंटेस्टेंट बाहर हो गया है। इंडियन आइडल में तीसरा एलिमिनेशन हो चुका है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 13 से अब किसका एलिमिनेशन हुआ है, कौन सा कंटेस्टेंट अपने घर पर जा चुका है, कौन से कंटेस्टेंट को जजेस ने निकाल दिया है। तो अगर आप भी इंडियन आइडल सीजन 13 देखते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इंडियन आइडल सीजन 13 की सभी खबरें सबसे पहले मिलें। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इंडियन आइडल सीजन 13 में टॉप 13 कंटेस्टेंट थे, लेकिन दोस्तों अब टॉप 12 बचे हैं क्योंकि एक कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन हो चुका है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन आइडल सीजन 13 में कम वोट मिलने के कारण एक बड़ी कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया है। हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि बॉटम में कौन से कंटेस्टेंट थे, तो दोस्तों बॉटम में तीन कंटेस्टेंट थे जिनमें चिराग कोतवाल, काव्या लेमाय और संचारी सेन थी। हाँ दोस्तों, संचारी सेन, काव्या लेमाय और चिराग कोतवाल बॉटम में आए थे और इन्हीं तीनों में से एक कंटेस्टेंट का इविक्शन हो चुका है। हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि संचारी सेन का एविक्शन हो गया है। संचारी सेन इंडियन आइडल सीजन 13 से बाहर हो गई हैं, वो एलिमिनेट हो गई हैं। तो दोस्तों अब की बार इंडियन आइडल सीजन 13 में तीसरा एलिमिनेशन संचारी सेन का हुआ है। आप कितना दुखी हैं इस एलिमिनेशन पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।